हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे, प्लस रात के साथ इंडिया पाकिस्तान का मैच, और मैच के बीच में अचानक से बारिश हो गई। सेम यहाँ भी बारिश हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मस्त सा चीज़ बनाया जाए। और वैसे मैं बता दूँ कि मैं अभी खुद का किचन सेट किया इधर, तो ये फर्स्ट टाइम मेरा कुकिंग होगा। और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं क्या बनाता हूँ। तो रिवील कर देते हैं, मैं बनाने वाला हूँ चिकन लपेटमा, वो भी देसी स्टाइल में। बहुत ही इजी रेसिपी है, मेरे स्टाइल में है, तो मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और एक बार आप बिल्कुल ट्राई करिएगा और फिर मुझे रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। ये मेरे स्टाइल में है, तो मे बी आपको ऐसा रेसिपी कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे 300 ग्राम चिकन, और उसके साथ हम सबसे पहले ले लेंगे उसके साथ ही उतना ही सेम प्याज क्वांटिटी में, 5 लाल मिर्च और साबुत लहसुन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम उसमें प्याज डालेंगे। प्याज रोस्ट होने के साथ साथ इसमें एक चीज़ चेंज करना है, यूजुअली आप लोग प्याज को पहले प्रॉपर रोस्ट करते हो उसके बाद बाकी चीज़ डालते हो, बट इसमें प्याज के साथ साथ तुरंत आपको नमक डालना है, हल्दी डालनी है और बाकी सारे मसाले डालने, जैसे कि हो गया धनिया पाउडर 2 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर हल्का सा चुटकी भर, और उसके साथ गरम मसाला वो भी 1/2 चम्मच, ठीक है। तो ये सब डाल के आप प्रॉपर मिक्स कर लीजिए। और फिर इसके बाद आप इसमें डालिए चिकन। चिकन को प्रॉपर धो के हमने साइड रखा था। चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको अलग से मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साथ में ही हो जाएगा मैरिनेट ये। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कलियाँ, ठीक है, और 5 हरी मिर्च, लाल मिर्च सॉरी। तो इसको हम मिक्स करेंगे और हम लहसुन को छीला नहीं है। साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और ये हम चिकन लपेट में बना रहे हैं, मतलब पूरा थिक चिकन मसाले से लिपटा हुआ, तो इसमें पानी कम से कम डालेंगे सिर्फ, जिससे ये प्रॉपर फ्राई हो जाए, ठीक है। पानी डालने के बाद हम इसमें हल्का सा चिकन मसाला डालेंगे और इसको ढक देंगे। अब हम चिकन को निकाल के एक बार चेक करेंगे चिकन कितना पका है, और हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये पूरा अच्छे से चिकन में पूरा मिक्स ना हो जाए मसाला। तो ये देखिए फाइनल चिकन का लुक कितना टेम्पटिंग लग रहा है, वाह यार, उसका एरोमा इतना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना मस्त लग रहा है, रेस्टोरेंट स्टाइल्स के आगे फेल है। और मैं आपको चिकन टेस्ट करके नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो मैं नहीं चाहता मिस हो जाए। और फाइनल अगर मैं बताऊँ तो राइस मैंने पहले ही पका रखे थे, और चिकन के साथ मैंने थोड़ा थिक ग्रेवी वाला चिकन लिया था और राइस, इन दोनों का टेस्ट अल्टीमेट था। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप शेयर और लाइक करिएगा। धन्यवाद।